बहन मैं जुम्मन दनवाल और आप देख रहे हैं वीसी खबर। मैं समीक्षा करूंगी देश के उन आदर्शवादी सोच को जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर और चंदौली किनारा मठ निर्माण को देश के गरीबी और बेरोजगारी से जोड़कर सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठा रहे हैं। भले ही मेरी उम्र कम है, पत्रकारिता का ज्यादा अनुभव नहीं है और चंदौली बनारस से ज्यादा दुनिया भी नहीं देखा है, लेकिन कुछ सवाल है जो हम उठाना जरूरी समझते हैं। कुछ लोग जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण की लागत से देश में व्याप्त गरीबी को खत्म कर देश में छद्म समाजवाद और विकासवाद लाने का ढोंग और दिखावा कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ। भले आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण की कीमत बताकर सरकार से सवाल कर रहे हो, लेकिन आप बता दो इस देश में लोक आस्था की कीमत क्या है। भले ही आज इस देश में लोकतंत्र है, नेता है और राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ इस देश की आध्यात्म परंपरा लोकतंत्र और राजनीतिक पार्टियों से बहुत पुरानी है। मैंने जितनी दुनिया देखी है उसमें गरीबी मिटाने वाले, समाजवाद लाने वाले, किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे बहुत लोकल नेता देखे हैं जो 200 ग्राम सोने की चैन, सफेद लीलन और सफेद ब्रांडेड जूते पहनकर फॉर्चूनर से चलकर गरीबों के नाम पर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में गरीबों और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाले बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके अपार्टमेंट की कीमत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण की लागत से बहुत ज्यादा है, तो सवाल राष्ट्र का गौरव बहाल करने वाले मोदी से क्यों पूछा जा रहा है। इस देश में गरीबी और बेरोजगारी नई समस्या नहीं है, आप लड़ो गरीबों की लड़ाई। नीयत सही है तो आम जन के लिए और नीयत खराब है तो सत्ता के लिए, लेकिन सनातन धर्म, बहाली और अयोध्या, काशी और किनारा मठ के निर्माण से गरीबों और बेरोजगारों की समस्या से जोड़कर देश में पैदा हो रहे राष्ट्रवादी विचारधारा और सनातन धर्म आस्था पर प्रहार न करें। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, धार्मिक रूप से बंटवारा का दंश झेलने वाला भारत में भले ही मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध और अंबेडकर सबको अपना अंग बना लिया है, लेकिन इस देश की आत्मा सनातन हिंदू धर्म के मठ और मंदिर में ही निहित है जो हजारों वर्षों के पराधीनता के बाद भी कायम है और राम, कृष्ण, शिव के आदर्श आधुनिक युग में भी विकास के पहिया बने रहेंगे।